Okay, good afternoon all. In this lecture, we will discuss the remaining part of WBFM. हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में जो WBFM किया था, उसका कुछ रिमेनिंग पार्ट था, कुछ पार्ट बचा हुआ था जो हमें इस लेक्चर में कवर करना है ना. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो भी हमारा WBFM है ना, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने WBFM का इक्वेशन पढ़ा था, उसका हम लोगों ने डेरिवेशन किया था, है ना. आफ्टर डेरिवेशन वी विल गेट द इक्वेशन एज, आफ्टर डेरिवेशन वी विल गेट द इक्वेशन एज WBFM इक्वल्स टू AC समेशन ऑफ n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट GnBeta. GnBeta मैंने आप लोगों को बताया था, दिस GnBeta इज नथिंग बट अ बेसल्स फंक्शन, है ना. बेसल्स फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, एक मैथमेटिकल टर्म होता है, ठीक है. GnBeta इंटू कॉस 2π Fc प्लस nFm इंटू t, है ना. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को यहाँ तक डिराइव करवाया था आप लोगों को कि WBFM का जो भी इक्वेशन होता है, जो भी डेरिवेशन होता है, वो कैसे करते हैं, और जो भी उसका लास्ट वाला इक्वेशन होता है थ्रू विच वी कैन इम्प्लीमेंट द इम्प्लीमेंट इट्स स्पेक्ट्रम इज, वो हम उस टॉपिक तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, ठीक है. तो आज की क्लास में इस इक्वेशन के थ्रू हमें इम्प्लीमेंटेशन देखना है ना. आज की क्लास में इस इक्वेशन के थ्रू हमें इम्प्लीमेंटेशन देखना है कि इस इक्वेशन के थ्रू हम अपने वेवफॉर्म को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ तक सभी को समझ में आया था लास्ट लेक्चर में जहाँ तक हम लोगों ने किया था, ठीक है. इसी के साथ साथ और भी कुछ एक आध टॉपिक है, जैसे बैंडविड्थ एंड पावर ऑफ साइनोसॉइडल FM सिग्नल, ये भी हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास में हो जाए, ठीक है. आज का लेक्चर हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि कल से आप लोगों के फिर क्लास टेस्ट स्टार्ट है, ठीक. तो जितना भी रिमेनिंग पार्ट था WBFM का रिप्रेजेंटेशन वाला, वो हम लोग देख लेते हैं, और फिर बैंडविड्थ और पावर का जो छोटे छोटे एक दो टॉपिक्स, वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है. फिर CT के बाद से हम लोग फिर जनरेशन और डिमोडुलेशन वाले टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ठीक. तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक. तो जहां तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था उसके बात करने जा रहे हैं, ठीक है. तो जो भी हमारे WBFM का हम लोगों ने डेरिवेशन देखा था, यहाँ पे n एक इंटीजर था. जब जो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे डेरिवेशन जो देखा था, इस डेरिवेशन में n एक इंटीजर था, ठीक है. तो अब अगर इसको मुझे और एक्सपांड करना है, इस इक्वेशन को मुझे और अगर मुझे एक्सपांड करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस n के डिफरेंट वैल्यूज पुटअप करनी चाहिए. इट मूव्स फ्रॉम n इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, मतलब n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक के मुझे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पे रखनी है, ठीक है. यहाँ तक सबको समझ में है, ठीक. देखते हैं. यहाँ पे देखिए, ये वाला जो इक्वेशन है, यही हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था. ST इक्वल टू AC समेशन ऑफ n इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ये इक्वेशन था. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? फर्स्ट हमें पुट अप करना है n के डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है. कुछ चीजें, कुछ बहुत ही छोटे छोटे टर्म्स है जो इम्पोर्टेंट है बेटा, उसी से पूरा कंप्लीट होगा. ध्यान रखिएगा वो सारी चीजें. हमें इसमें बेसल्स फंक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज भी यूज करनी होंगी, वो सब ध्यान रखिएगा यहाँ पे. अब हमें यहाँ पे आगे क्या करना है? एन के डिफरेंस वैल्यू को पुट करना है ना. एन के वैल्यूज को पुट अप करना है एन इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर एन इक्वल टू इनफाइनाइट. तो सबसे पहले एन की वैल्यू को मैं जीरो से पुट अप करता हूँ. जीरो से एक बार मैं पॉजिटिव की तरफ मूव करता हूँ, एक बार मैं नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है. इसलिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि n की वैल्यूज मैंने यहाँ पे जीरो से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दोनों तरफ ली है. n इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, वैसे ही n इक्वल टू -1, -2, -3, -4, -5 अप टू इनफाइनाइट पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस इनफाइनाइट नेगेटिव डायरेक्शन में. यहाँ तक सभी को समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है ना. लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने किया था, सिर्फ उसका एक्सटेंशन देख रहे हैं, उसी के बाद वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं. अब इस इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग n इक्वल्स टू जीरो पुट अप करेंगे. जब हम लोग n इक्वल्स टू जीरो पुट अप करेंगे, ध्यान देना, जब हम लोग n इक्वल टू जीरो पुट अप करेंगे यहाँ पे, तो ये वाला टर्म मिलेगा. जब n इक्वल टू हम यहाँ पे जीरो पुट अप करेंगे, तो साइमल्टेनियसली n इक्वल टू जीरो हमें यहाँ पे भी पुट अप करना होगा, है ना. साइमल्टेनियसली हमें n इक्वल टू जीरो यहाँ पे भी पुट अप करना पड़ेगा. तो जब हम n इक्वल टू जीरो की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे, तो ये जो सेकंड टर्म है, ये तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा. ओनली वी विल गेट द फर्स्ट टर्म इंक्लूडिंग विद द बेसल्स फंक्शन. बेसल्स फंक्शन के साथ हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म मिलेगा. ये हम लोगों ने फर्स्ट टर्म यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. दिस वन इज द फर्स्ट टर्म, है ना. इसमें मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी क्यों नहीं होगी? क्योंकि n की वैल्यू जब हमने जीरो पुट ऑन की है, n की वैल्यू जीरो पुट करने के कारण ये जो पीछे वाला बैक टर्म है, वो हमारा जीरो हो जाएगा. क्लियर. अच्छा, ये जो हमारा जे नॉट बीटा होता है ना बेटा, ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको बेस स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है ना. जो हमारा जे नॉट बीटा, इसको बेस स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है. सभी को ध्यान रहेगा,
ठीक है, सभी ध्यान रखिएगा, जे नॉट बीटा को हमारा बेस स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। ठीक, वैसे अब हमें एन इक्वल टू वैल्यूज, बाकी वैल्यूज पुटअप करनी है, जैसे एन इक्वल टू वन पुटअप करना है। तो जब मैं एन की वैल्यू वन पुटअप करूंगा तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे मिला जे वन बीटा, है ना। वैसे अंदर अगर ब्रैकेट के अगर हम अंदर टर्म आ रहे हैं कॉस टू पाई एफ सी प्लस एन एफ एम, तो यहाँ पे भी एन की वैल्यू वन पुटअप करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा टर्म एफ सी प्लस एफ एम। तो यहाँ पे देख लीजिए एफ सी प्लस एफ एम का टर्म हमें मिल गया, समझ में आई बात सभी को। अब हम n इक्वल टू यहाँ पे टू पुटअप करते हैं, n इक्वल टू टू पर पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, जे टू बीटा इंटू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी प्लस टू एफ एम टी, क्लियर। वैसे n इक्वल टू थ्री पुट ऑन करेंगे तब क्या होगा, जे एन जे थ्री बीटा इंटू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी प्लस थ्री एफ एम इंटू टी। वैसे n इक्वल टू फोर फाइव एंड सो ऑन अप टू प्लस ऑफ इनफाइनाइट तक हम वैल्यू को पुट ऑन करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा पॉजिटिव साइड का हो गया। सेम अगर मैं नेगेटिव साइड की तरफ जाऊं तो मुझे जे की वैल्यू को माइनस में पुटअप करना पड़ेगा, तो जे की वैल्यू मैंने पुटअप किया माइनस वन, है ना। तो जे की वैल्यू को माइनस पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जे ऑफ माइनस, ध्यान रखिए सभी, जे ऑफ माइनस वन बीटा, यहाँ पे एन की जगह माइनस हो जाएगा ना, तो जे ऑफ माइनस वन बीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ध्यान रखिए कॉस ऑफ टू पाई एफ सी माइनस cos of 2 pi fc minus fm, है ना। जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है टर्म कैसे मिल रहा है हमें, यहाँ पे g of minus 2 beta, ये देखो ये वाला टर्म मिला हमें, कैसे मिला समझ में आया। वैसे जब जे की हम लोग नेगेटिव, जे की हम लोग माइनस टू वैल्यू पुट ऑन करेंगे तब क्या मिलेगा, जे ऑफ माइनस टू बीटा इंटू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी माइनस टू एफ एम इंटू टी, ठीक है। वैसे जब मैं जे की वैल्यू एन की वैल्यू को जब मैं थ्री पुट करूंगा तब क्या मिलेगा, जे ऑफ थ्री बीटा इंटू कॉस ऑफ टू पाई एफ सी माइनस थ्री एफ एम टी, जो हमें यहां पे दिख रहा है, क्लियर बात है। तो एन के डिफरेंट वैल्यूज पुट करके मुझे यहां तक टर्म मिल गया, ये वाला मुझे टर्म मिल गया इक्वेशन नंबर, जो इसमें इक्वेशन नंबर 9 है हमारे डेरिवेशन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन नंबर 2 या 3 आएगा ये इक्वेशन। यहाँ तक सबको समझ में आया कैसे मिला हमें, क्लियर यहाँ तक सभी। चलो अब इसके बाद हमें बेसल्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना पड़ता है, क्यों। आप लोग यहाँ पे जैसे देखिए, इसके बाद का एक्सटेंशन देखिए, यहाँ पे इसने जे वन बीटा को कॉमन निकाला है, लेकिन यहाँ पे तो जे वन बीटा है और यहाँ पे तो जे ऑफ माइनस वन बीटा है। तो अगर यहाँ पे जे ऑफ माइनस वन बीटा है तो मैं जे ऑफ वन बीटा को कैसे कॉमन निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें बेसल्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो बेसल्स फंक्शन की कुछ लिमिटेड प्रॉपर्टी होती है, 3 to 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी होगी। जो प्रॉपर्टीज ये है, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ बेसल्स फंक्शन, याद रखिएगा सभी लोग, है ना। जे एन बीटा इक्वल टू जे ऑफ माइनस एन बीटा हो सकता है फॉर एन इक्वल्स टू इवन नंबर, है ना। मतलब अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँ, 3 रखूँ, 5 रखूँ, तो उस समय जो हमारा g ऑफ माइनस वन बीटा है, इट कैन बी रिटर्न एज g ऑफ 1 बीटा, क्लियर बात यहाँ तक सभी को। ठीक है, वैसे ही g ऑफ अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू को ऑड वैल्यू को रखूँ, ये n की वैल्यू यहाँ पे इवन है, तो यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू को रखेंगे 0, 2, 4, 6, 8, है ना। तो g ऑफ माइनस टू को मैं g ऑफ 2 लिख सकता हूँ, g ऑफ माइनस 4 को मैं g ऑफ 4 लिख सकता हूँ, g ऑफ माइनस 6 को मैं g ऑफ 6 लिख सकता हूँ, g ऑफ माइनस 8 को मैं g ऑफ 8 लिख सकता हूँ, क्लियर है, बाय यूजिंग दिस बेसल्स फंक्शन प्रॉपर्टी। सेम एज अगर मैं ऑड की तरफ जाऊँ, ऑड मतलब अगर मैं n की वैल्यू को 1, 3, 5, 7 लिखा हूँ, है ना, तो g ऑफ 1 बीटा कैन बी रिटर्न एज माइनस g ऑफ माइनस 1 बीटा, g ऑफ 3 बीटा कैन बी रिटर्न एज माइनस g ऑफ माइनस 3 बीटा, बात समझ में आई। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी बेटा बहुत ध्यान रखिएगा, ये दोनों प्रॉपर्टी, क्योंकि इन्हीं प्रॉपर्टीज के थ्रू एक ये वाली प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखनी है, और दूसरी आप लोगों को जो ध्यान रखनी है वो आप लोगों को ये वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है जो यहाँ पे मेंशन की गई है, जो यहाँ पे नीचे की तरफ जो यहाँ पे मेंशन की गई है, जे ऑफ ये वाली प्रॉपर्टी, है ना। ये दोनों प्रॉपर्टी हमें बहुत ही ध्यान रखनी है, क्लियर है दोनों प्रॉपर्टी।
ठीक है, ये जो बॉटम में जो लिखी हुई है ना प्रॉपर्टी नंबर 6, द इक्वालिटी होल्ड एग्जैक्टली फॉर आर्बिट्री वैल्यू ऑफ बीटा, ये वाली जो प्रॉपर्टी मेंशन की गई, ये प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जब हम लोग पावर डिराइव करेंगे, है ना। लास्ट वाला जो जेन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 जो लिखा हुआ है, उस प्रॉपर्टी का यूज हम लोग तब करेंगे जब हमें पावर डिराइव करना है। तो कभी भी अगर ऐसा स्क्वायर वाला टर्म आएगा जे के साथ, है ना, बेसल्स फंक्शन के साथ में, जे ऑफ स्क्वायर एन बीटा इक्वल्स टू हमेशा 1 होगा, है ना, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे व्हेन वी डिराइव द पावर टर्म। क्लियर यहाँ तक सभी को? ठीक है, चलिए अब आगे आगे चलते हैं। तो यही दो प्रॉपर्टी का यूज करके, इन्हीं दो प्रॉपर्टी का यूज करके जे ऑफ माइनस वन बीटा, ध्यान रखिएगा जे ऑफ माइनस वन बीटा को मैं जे ऑफ वन बीटा लिख सकता हूँ, माइनस का मेरा पीछे आ गया, समझ में आ रहा है मैंने कैसे कैसे किया, ठीक है। तो वैसे जितने बीटा में वैसे मैं जे ऑफ टू बीटा कोई भी यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ, है ना। प्रॉपर्टी क्या है हमारी, ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी क्या है हमारी, जे ऑफ माइनस टू बीटा, जे ऑफ माइनस टू बीटा कैन बी रिटन एज जे ऑफ टू बीटा, है ना। बीटा इज नथिंग बट अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स, बीटा इज नथिंग बट अ मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो जो जे ऑफ माइनस टू बीटा है, जे ऑफ माइनस टू बीटा है, मैं उसको जे ऑफ टू बीटा मेंशन कर सकता हूँ। क्लियर बात है। सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में एक चीज हमें ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में ये चीज डिफर करेगी, सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में ये यहाँ पे जो साइन है वो डिफर करेगा, है ना। तो कभी भी अगर यहाँ पे इवन टर्म है, मतलब जे ऑफ टू हो गया, जे ऑफ फोर हो गया, जे ऑफ सिक्स हो गया, तो दोनों जो कोसाइन टर्म है बेटा वो आपस में प्लस साइन के साथ जुड़ेंगे। क्लियर बात। और जो भी हमारे ऑड टर्म है, जैसे जे ऑफ वन हो गया, जे ऑफ थ्री हो गया, जे ऑफ फाइव हो गया, जे ऑफ सेवन हो गया, उसमें जो हमारे दोनों कोसाइन टर्म है आपस में माइनस के साथ जुड़ेंगे। ये कैसे हुआ, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ बेसल्स फंक्शन। बेसल्स फंक्शन एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका यूज हम अपने एफएम डब्ल्यूबीएफएम को सिग्नल को डिराइव करने के लिए कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक। तो बाय यूजिंग बेसल्स फंक्शन प्रॉपर्टी हम यहाँ पे जो भी इक्वेशन है उसको कुछ समराइज वे में हम लोग ऐसा मेंशन कर सकते हैं, ऐसा इक्वेट कर सकते हैं, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है बात यहाँ पे। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि आप लोगों को कितने डिफरेंट टाइप के फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिल रहा है। आपको एफ सी प्लस एफ एम मिल रहा है, एफ सी माइनस एफ एम मिल रहा है, एफ सी प्लस टू एफ एम मिल रहा है, एफ सी माइनस टू एफ एम मिल रहा है, एफ सी प्लस थ्री एफ एम मिल रहा है, एफ सी माइनस थ्री एफ एम मिल रहा है, है ना। ये सारे टर्म भले ही हमें ये ध्यान रखना है जो इस डेरिवेशन में यहाँ पे रॉन्ग दिया है, जब हमारे इवन टर्म्स होंगे तो दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन आएगा, जब ऑड टर्म होंगे तो दोनों के बीच में नेगेटिव साइन आएगा। सिर्फ इस डेरिवेशन में यहाँ पे गलत प्रिंट है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना। जब यहाँ पे इवन रहेगा तो दोनों को साइन टर्म आपस में पॉजिटिव से जुड़े रहेंगे, जब नेगेटिव जब ऑड टर्म रहेंगे तो दोनों को साइन टर्म आपस में माइनस साइन से जुड़े रहेंगे, सिर्फ इसको ध्यान रखना है ना। तो बाय यूजिंग दिस अबव इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी सच एज एफ सी प्लस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी प्लस टू एफ एम, एफ सी माइनस टू एफ एम, एफ सी प्लस थ्री एफ एम, एफ सी माइनस थ्री एम एम, अप टू एफ सी प्लस एन एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम। इतने सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिलेंगे। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी मैंने आप लोगों को क्या एक बात बताई थी कि जब भी किसी भी इक्वेशन को, जब भी एक मिनट, मैंने आप लोगों को क्या बताई थी, जब भी किसी भी इक्वेशन का हमें को हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं, है ना। तो जब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो जो हमारा कोसाइन सिग्नल होता है, जो हमारा कोसाइन सिग्नल होता है वो डेल्टा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये जो हमारा 2πfct है, मतलब ये हमारा कौन सी फ्रीक्वेंसी पे बनेगा, f माइनस fct, है ना। तो जब हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो कौन से दो टर्म मिलेंगे, एक मुझे मिलेगा डेल f प्लस एफ सी टी, डेल एफ प्लस एफ सी टी, एफ प्लस एफ सी टी प्लस डेल एफ माइनस एफ सी, अच्छा मैं टी बोल रहा हूँ, टी नहीं है ना, डेल एफ प्लस एफ सी प्लस डेल एफ माइनस एफ सी डिवाइड बाई टू। ध्यान रखिएगा जब भी किसी भी कोसाइन टर्म का हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर उधर ठीक से डिस्प्ले नहीं हुआ तो क्या होता है, डेल एफ प्लस एफ सी, है ना। मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी होती है, सपोज यहाँ पे 5 हर्ट्ज है तो एक बार 5 हर्ट्ज f के साथ में प्लस 5 हर्ट्ज शिफ्ट होती है और एक बार वो उसी f के साथ में माइनस 5 हर्ट्ज शिफ्ट होती है। क्लियर बात है। और डेल f प्लस fc प्लस डेल f माइनस fc डिवाइड बाय 2, ये होता है हमारा जब हम किसी भी कोसाइन टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं।
क्लियर बात है। जैसे जब मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा, जब मैं ये सेकंड वाले टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा, ध्यान दो सब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब इस सेकंड वाले टर्म का मैं ट्रांसफॉर्म लूंगा तो क्या पे क्या यहाँ पे आ जाएगा, डेल हमेशा एफ सी के साथ में सब डेल एफ माइनस, अब मैं जब इसका सबट्रैक्शन करूंगा तो माइनस एफ सी माइनस एफ एम हो जाएगा, माइनस एफ सी माइनस एफ एम होगा, क्योंकि जब मैं माइनस करूंगा बेटा तो अंदर वाला जो प्लस एफ एम है वो माइनस एफ एम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर बात है, ये तो मेरा माइनस के लिए हुआ। जब मैं प्लस के साथ में करूंगा तो क्या हो जाएगा, डेल एफ प्लस अगर लूंगा तो क्या हो जाएगा, एफ सी प्लस एफ एम, क्या हो जाएगा मेरा एफ सी प्लस एफ एम। क्लियर बात है, और डिवाइड बाई टू। वैसे जब मैं इसका इस वाले टर्म का जब मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा, इस वाले टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, डेल एफ माइनस, तो जब मैं माइनस करूंगा तो ये जो अंदर वाला माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एफ सी प्लस एफ एम। क्लियर बात है, और जो हमारा सेकंड वाला डेल्टा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, एफ प्लस एफ सी माइनस एफ एम, एफ सी माइनस एफ एम होल डिवाइड बाई टू। बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। तो जब भी हमें किसी भी सिग्नल को जब भी हमें फ्रिक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करना होता है, ऑलवेज वी नीड अ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन, है ना। तो जब इस फंक्शन का जब इस गिवन टर्म का हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो क्या टर्म मिलेगा, ये आप लोग देखिएगा, ये टर्म देखिएगा। जैसे ये पहला टर्म है तो ए सी इंटू जे नॉट बीटा, है ना, तो ए सी इंटू जे नॉट बीटा यहाँ पे हो गया, ये देखिए ए सी इंटू जे नॉट बीटा हो गया। और जो कोसाइन टर्म है इसका क्या हो जाएगा, डेल एफ प्लस एफ सी प्लस डेल एफ माइनस एफ सी डिवाइड बाई टू। तो क्योंकि डिवाइड बाई टू है तो अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देखिएगा ये जो डिवाइड बाई टू है वो सामने आ गया और ये पीछे वाला टर्म कुछ ऐसा हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ, ठीक बात सबको समझ में आया। वैसे ही जब मैं सेकंड वाले टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा, है ना, अब मुझे किसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना बेटा, सबसे पहले मैं इस वाले टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा, ठीक है। तो इस वाले टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा तो क्या हो जाएगा, ए सी इंटू जे वन बीटा बाई टू इंटू डेल एफ माइनस एफ सी माइनस एफ एम प्लस डेल एफ प्लस एफ सी प्लस एफ एम, जो आपका यहाँ पे मैंशन किया गया। क्लियर बात समझ में। तो इसके बाद आप लोगों को फिर इस टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पड़ेगा, है ना। इस टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए सी इंटू जे वन बीटा माइनस है तो माइनस सामने रहेगा ना, माइनस ए सी इंटू जे वन बीटा डिवाइड बाई टू इंटू अब ब्रैकेट में क्या होगा, डेल एफ माइनस एफ सी प्लस एफ एम प्लस डेल एफ प्लस एफ सी माइनस एफ एम। जब मैं वो करूंगा तो मुझे ये वाला टर्म मिलेगा। क्लियर बात है, आई थिंक सभी को समझ में आ रही होगी कि हम लोगों ने कैसे किया। सभी को बात क्लियर बेटा कि ये कैसे कैसे फंक्शन हुए, ठीक है। तो जब ये पूरा फंक्शन मिल जाएगा, जब हम पूरा इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, है ना, जब हम ये पूरा इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, ठीक। तो अच्छा एक बात और, यहाँ पे ये जो आप लोगों के नोट्स हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस में थोड़ा सा गलत किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को जैसे समझाया हूँ आप लोग वैसे ही बनाएंगे। क्लियर बात है, जैसे आइडियली अगर मैं ये जो हमारा जे वन बीटा है, जे ऑफ माइनस वन है, इसमें हम लोग माइनस को बाहर हटा देंगे क्योंकि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जे ऑफ माइनस वन इक्वल टू जे ऑफ वन होता है, तो मुझे यहाँ पे जे ऑफ माइनस वन लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं सीधे यहाँ पे जे वन बीटा करके इस इक्वेशन को समराइज कर सकता था, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकता था, है ना। तो जैसे मैंने बताया आप लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो जब आप लोग करेंगे तो पूरा का पूरा आप लोगों को फोरियर ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन कुछ ऐसा मिल जाएगा जैसे यहाँ पे मेंशन है। क्लियर बात है यहाँ तक सभी को, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जब भी हमें स्पेक्ट्रम निकालना होता है ना बेटा, जब भी हमें इसको ड्रॉ करना होता है तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एफ की वैल्यू को जीरो पुट अप करते हैं। तो जब मैं यहाँ पे एफ की वैल्यू को जीरो पुट अप करूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ देखो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ माइनस एफ सी, तो मैं पुट अप करूंगा एफ माइनस एफ सी इक्वल्स टू जीरो, सो वी विल गेट एफ इक्वल्स टू एफ सी। तो मुझे एक फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम मिला एफ सी और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए सी बाई टू इंटू जे नॉट बीटा, ठीक है। तो ये कहाँ पे पुट अप हुआ, कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एफ सी, तो ये एफ सी फ्रीक्वेंसी है ये, और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ये वाला एम्पलीट्यूड मिला है मुझे एफ सी फ्रीक्वेंसी पे ए सी बाई टू इंटू जे नॉट बीटा वाला स्पेक्ट्रम मिला है, ठीक है। वैसे अगर मुझे ये वाले टर्म को प्लॉट करना है तो मैं क्या करूंगा, जो ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म है उसको इक्वेट टू जीरो करेंगे, तो व्हेन वी इक्वेट दिस टर्म एज अ जीरो, सो वी विल गेट एफ प्लस एफ सी इक्वल्स टू जीरो, सो वी विल गेट एफ इक्वल्स टू एफ सी, एफ इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ सी, तो माइनस ऑफ एफ सी में भी मुझे सेम यही एम्पलीट्यूड मिलेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा माइनस ऑफ एफ सी पे भी मुझे सेम यही एम्पलीट्यूड मिला,
क्लियर बात सबको समझ में आई। वैसे ही जब मैं इस टर्म को इक्वेट टू जीरो करूंगा, एफ माइनस एफ सी प्लस एफ एम इक्वेट टू जीरो, सो वी विल गेट एफ इक्वल्स टू एफ सी प्लस एफ एम। और इसका एम्पलीट्यूड मुझे कितना मिल जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड होगा ए सी बाई टू इंटू जे वन बीटा, ए सी बाई टू इंटू जे वन बीटा, कौन सी फ्रिक्वेंसी पे, ए सी प्लस एफ एम पे। सो ए सी प्लस एफ एम है और यहाँ पे आप लोगों को मैंसन करना है तो आप लोग यहाँ पे मैंसन कर सकते हैं ए सी बाई टू इंटू जे वन ऑफ बीटा। बाकी आप लोग आगे के टर्म में भी निकाल सकते हैं। सो दिस वन इज द, सो दिस वन इज द स्पेक्ट्रम, ध्यान दीजिएगा। सो दिस वन इज द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, दिस वन इज द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ डब्ल्यू बी एफ एम, दिस वन इज द एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम ऑफ डब्ल्यू बी एफ एम, याद रहेगा सभी को, ठीक है। अच्छा, मैथमेटिकली जब मैथमेटिक्स में जब ये बेसल्स फंक्शन का यूज किया जाता है, मैथमेटिक्स में जब ये बेसल्स फंक्शन का यूज किया जाता है तो बेसल्स फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे जो x एक्सिस है वो बीटा का रिप्रेजेंटेशन कर रही है, जिसको हम अपने डब्ल्यू बी एफ एम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स कह रहे हैं, है ना। तो मैथमेटिक्स में एक ई वाला टर्म हुआ, है ना, मैथमेटिक्स में एक ई वाला टर्म हुआ बीटा। तो अगर मैं एक एक्सिस बनाऊँ बीटा के रेस्पेक्ट में और एक वाई एक्सिस बनाऊँ एन के रेस्पेक्ट में, तो इस एक्सिस में कुछ ऐसा आप लोगों को डायग्राम मिलता है ना। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे जैसे इस बीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, बीटा दैट मीन्स मॉड्यूलेशन इंडेक्स, है ना, जैसे जैसे बीटा की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है तो जो भी हमारा एन की वैल्यू है ना, जो भी हमारे एम्पलीट्यूड की वैल्यू है वो धीरे 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 आपको रिड्यूस होते हुए दिख रही होगी, दिख रही है यहाँ पे। जैसे जब बीटा की वैल्यू एग्जैक्टली जीरो है तो उस समय हमें जो भी एम्पलीट्यूड है वो एकदम हाईएस्ट एम्पलीट्यूड मिला है, लेकिन धीरे धीरे जो हमारा एम्पलीट्यूड है, ये जो हमारे स्पेक्ट्रम के जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे कम मिल रहा है ना। तो इसीलिए इसी जजमेंट के थ्रू हमने ये इसी जजमेंट के थ्रू ये बोला जाता है कि जो भी बेस टर्म होता है ना, इसको बेस स्पेक्ट्रम कहा जाता है ना। ये जो हमारा पहला स्पेक्ट्रम, इसको बेस स्पेक्ट्रम या बेस लोब या मेन लोब कहा जाता है, एल ओ बी ई, है ना। तो जो बेस लोब होता है या जो मेन लोब होता है उसका पावर सबसे हाईएस्ट होता है, और जो भी उसके साथ में जो सपोर्टिंग साइड बैंड्स होते हैं, जो उसके बाकी जो आपको लोब्स दिख रहे हैं ना, इनको साइड बैंड्स कहा जाता है। तो उसके बाद के जो साइड बैंड्स होते हैं उनका एम्पलीट्यूड कम होते जाता है, तो एम्पलीट्यूड कम होने को कहा जाता है कि पावर रिड्यूस होना, है ना। तो जो भी एम्पलीट्यूड होता है, जो बेस एम्पलीट्यूड होता है, जो मेन एम्पलीट्यूड होता है, उसमें ही सबसे ज्यादा पावर होता है, और जो बाकी के एम्पलीट्यूड्स होते हैं, बाकी के जो साइड बैंड्स होते हैं, उनका पावर बहुत ही कम होता है। बात सबको समझ में आ रही है। सो ये आप लोगों का फाइनल इक्वेशन था, ये आप लोगों का फाइनल जो भी हमारा स्पेक्ट्रम था डब्ल्यू बी एफ एम का। और अगर आप लोगों को, अगर आप लोगों को बीटस जो हमारा बेसल्स फंक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन देखना है, तो बेसल्स फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ ये दिखाने के लिए जरूरी है कि जैसे जैसे हमारे बीटा की वैल्यू या मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है, जैसे जैसे बीटा की वैल्यू या मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होते जाती है, वैसे वैसे एम्पलीट्यूड हमारा धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहा है ना। तो एम्पलीट्यूड रिड्यूस होते जा रहा है, दैट मींस पावर हमारा कम होते जा रहा है। बात सबको समझ में आई यहां तक, ठीक है। सो अब यहां पे हमारा पूरा WBFM का डेरिवेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। WBFM का ये जो हमारा लास्ट में ये बेसल्स फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, है ना, ये बेसल्स फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, ये बेसल्स फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे WBFM के एम्पलीट्यूड फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम का रिप्रेजेंटेशन है। ये दो स्पेक्ट्रम जब आप लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे तब आप लोगों का WBFM का पूरी स्टडी, WBFM की पूरी स्टडी आप लोगों की कंप्लीट होगी। क्लियर बात है यहां तक सभी को समझ में आए, ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म और है, अगर मुझे पावर कैलकुलेट करना है ना, आपके शायद आप लोगों के इसमें दिया था, हाँ, जैसे आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है, यहाँ पे देखिएगा सिलेबस में मेंशन है, पावर ऑफ साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटेड एफएम सिग्नल, पावर ऑफ साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटेड एफएम सिग्नल, जैसे ये गिवन है, तो हम इसका पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, पावर जनरली हम जानते हैं बेटा, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, है ना, पावर इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। जब मैं करंट के टर्म में बात करता हूँ, अगर मैं वोल्टेज के टर्म में बात करता हूँ तो पी इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर वाई आर, है ना। और जब मैं इसकी आरएमएस वैल्यू लूंगा, इस वी की आरएमएस वैल्यू लेंगे तो वी अपॉन अंडर रूट टू होता है, ये हमारा आरएमएस है ना। तो वी अपॉन अंडर रूट टू स्क्वायर होता है, दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन टू आर कह सकते हैं, पावर इक्वल टू। क्लियर बात है सभी को, ठीक है। और जब हम लोग किसी भी जब हम लोग कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल बनाते हैं, जब हम लोग कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल बनाते हैं, क्योंकि हमें साइनोसॉइडल सिग्नल का ही यहाँ पे पावर कैलकुलेट करना है, साइनोसॉइडल एफएम सिग्नल का ही पावर कैलकुलेट करना है, तो जब कोई भी साइनोसॉइडल सिग्नल बनाया जाता है तो उसकी जो वाई एक्सिस होती है बेटा, ये आइदर करंट होती है आइदर एम्पलीट्यूड होती है,
है ना। अगर मैं इस एम्पलीट्यूड को, अगर मैं इसे इसको एम्पलीट्यूड बोल रहा हूँ, मैं इसको ना तो वोल्टेज बोल रहा हूँ ना तो मैं करंट बोल रहा हूँ, मैं इसको सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि ये एम्पलीट्यूड है, तो वी की जगह मैं ए मेंशन कर सकता हूँ, है ना। वी की जगह मैं अगर ए मेंशन करूंगा तो जो हमारा पावर का इक्वेशन होगा वो सीधे सीधे मेरा ए स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर अपॉन टू आर हो जाएगा। ए सी क्यों है, ए सी क्यों है, क्योंकि हम अपने कैरियर, हम अपने एफ एम सिग्नल की बात कर रहे हैं। एफ एम सिग्नल का इक्वेशन क्या होता है, किसी को याद है कि एफ एम सिग्नल का इक्वेशन क्या होता है? एफ एम सिग्नल का इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, एस टी इक्वल्स टू ए सी कॉस ऑफ 2 पाई, ऐसा कुछ था, यहाँ पे एक ब्रैकेट था, कॉस ऑफ 2 पाई एफ सी टी प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ 2 पाई साइन ऑफ 2 पाई एफ एम टी। ये हमारे एफ एम सिग्नल का ये हमारा इक्वेशन होता है, ठीक है। तो कभी भी अगर किसी भी इक्वेशन का अगर हमें पावर कैलकुलेट करना होता है बेटा, तो पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ इट्स एम्पलीट्यूड ओनली, उसका फेज क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है, इससे पावर का कोई रिलेशन नहीं होता है ना। तो अगर मुझे एफ एम सिग्नल का पावर कैलकुलेट करना है तो सीधे सीधे मुझे इसके एम्पलीट्यूड के बारे में जानना होगा, तो यहीं से इसके एम्पलीट्यूड को मैंने सीधे सीधे ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर कह दिया। ए सी स्क्वायर क्यों कहा समझ में आया, क्योंकि आर एम एस वैल्यू को जब हम चेंज करते हैं तो वी अपॉन अंडर रूट 2 हो जाती है वो वैल्यू, है ना। तो और जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो ए सी स्क्वायर अपॉन 2 आर हो गया, ठीक है। अच्छा, जब इस आर की वैल्यू को हम 1 मानते हैं, व्हेन वी कंसीडर दिस वैल्यू ऑफ आर इक्वल्स टू 1, एट दैट टाइम दिस पावर इज नोन एज नॉर्मलाइज्ड पावर, एट दैट टाइम दिस पावर इज नोन एज नॉर्मलाइज्ड पावर। यहाँ पे भले ही नहीं लिखा हो गया होगा, यहाँ पे भले ही नहीं लिखा गया होगा, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, व्हेन वी कंसीडर द वैल्यू ऑफ आर इक्वल्स टू 1, व्हेन वी कंसीडर दिस वैल्यू आर इक्वल्स टू 1, देन एट दैट टाइम दिस पावर इज नोन एज नॉर्मलाइज्ड पावर। ध्यान रहेगा सबको, ठीक है। तो नॉर्मलाइज्ड पावर की वैल्यू यहाँ पे आ गई है पी इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई 2। नॉर्मलाइज्ड पावर की वैल्यू क्या आ गई है, पी इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई 2। सबको बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल ए सी स्क्वायर बाई 2, जो हम लोगों ने सीधे सीधे एफ एम इक्वेशन के थ्रू, हम लोगों ने अभी एफ एम का जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे इक्वेशन बताया था उसके थ्रू मैंने, अगर मुझे पावर कैलकुलेट करना होगा तो ए सी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये पावर सेम रहेगा किसके लिए, एन बी एफ एम के लिए भी यही पावर होगा, एन बी एफ एम के लिए भी यही पावर होगा, क्लियर बात है। लेकिन अगर मैं डब्ल्यू बी एफ एम की बात करूंगा तब क्या होगा, है ना। अगर मैं डब्ल्यू बी एफ एम की बात करूंगा तब क्या होगा, तब देखते हैं क्या होता है। तो ए सी स्क्वायर है तो दैट मीन्स जो भी हमारा एम्पलीट्यूड होगा उसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, जो भी हमारा एम्पलीट्यूड होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो जो हमारा डब्ल्यू बी एफ एम का इक्वेशन होता है, जो भी हमारा डब्ल्यू बी एफ एम का इक्वेशन होता है, कहाँ है हमारा डब्ल्यू बी एफ एम का इक्वेशन, ये है हमारा डब्ल्यू बी एफ एम का इक्वेशन, है ना। डब्ल्यू बी एफ एम के इक्वेशन में अगर ये वाला जो हमारा ए सी है और जो एन जे एन बीटा है, यही हमारे पावर, यही हमारे एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है डब्ल्यू बी एफ एम में, है ना। एन बी एफ एम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डब्ल्यू बी एफ एम की बात कर रहा हूँ। अगर मैं डब्ल्यू बी एफ एम की बात कर रहा हूँ तो ये जो हमारा एम्पलीट्यूड बोल रहा है, बोला जा रहा है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ए सी स्क्वायर और यहाँ पे जे एन स्क्वायर बीटा भी होगा, क्लियर बात यहाँ तक सभी को। तो अगर मैं डब्ल्यू बी एफ एम का पावर निकालना चाहूँ तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर को मैंने ब्रैकेट के बाहर कर, समेशन के बाहर कर दिया, और समेशन के अंदर मेरा क्या क्या टर्म आ गया, समेशन के अंदर मेरा टर्म आ गया जे एन स्क्वायर बीटा बाई जे एन स्क्वायर इंटू बीटा। और जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बेसल्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज बताई थी, जो थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बेसल्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज बताई थी, इसी बेसल्स फंक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इसी बेसल फंक्शन की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हमारा लास्ट वाला जो 6th प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी गई है, देखिएगा, समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जे एन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके जो सेकंड वाला टर्म है उसको मैं 1 कह सकता हूँ। तो जब मैं सेकंड वाले टर्म को 1 कहूंगा तो डब्ल्यू बी एफ एम का पावर भी मुझे कितना मिल गया, मुझे मिल गया ए सी स्क्वायर बाई 2। इससे क्या दो कंक्लूजन मिले मुझे, इससे मुझे दो कंक्लूजन मिले कि एफ एम चाहे वो डब्ल्यू बी एफ एम हो या वो एन बी एफ एम हो, दोनों ही केस में जो हमारे एफ एम का पावर होता है वो हमारा ए सी स्क्वायर बाई 2 होता है। समझ में आया, इसका मतलब ये है कि सपोज अगर मेंशन है, सपोज अगर कहीं पे मेंशन है कि सपोज देयर इज अ एफएम सिग्नल एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज 5 वोल्ट एंड कैलकुलेट द पावर, तो सीधे सीधे आपको 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करना है, तो 12.5 मिला, तो जो हमारा पावर होगा वो आपका होगा 12.5
बात समझ में 12.5 वॉट। सबको क्लियर है यहां तक? सभी को समझ में आया? तो ये हमारा पावर होता है, ये हमारा पावर होता है, किसका पावर होता है बेटा? ये होता है पावर हमारा WBF, ये हमारा पावर होता है FM का, चाहे हम लोग NBFM की बात करें, चाहे हम लोग WBFM की बात करें, ये सभी को ध्यान रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट, जब हमारा WBFM NBFM के बारे में पूरी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो इसके में कुछ हम लोग कंपैरिजन देखते हैं, तभी हम लोग दोनों को अलग अलग जज कर पाएंगे, है ना। जैसे FM के कितने पार्ट होते हैं? FM के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? NBFM और WBFM। NBFM किसको कहते हैं? When the value of modulation index is less than one, at that time this FM, that FM is known as NBFM. And when the value of modulation index is greater than one, at that time the FM is known as WBFM. है ना। अब यहाँ पे देखिए स्पेक्ट्रम कैसा है। स्पेक्ट्रम क्या है मेंशन किया गया? द स्पेक्ट्रम ऑफ NBFM इज सेम एज AM, द स्पेक्ट्रम ऑफ NBFM इज सेम एज AM। लेकिन यहाँ पे आपको एक सेंटेंस, एक वर्ड और ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? कि ये AM की तरह तो होता ही है, जो स्पेक्ट्रम NBFM का है वो AM के स्पेक्ट्रम की तरह तो होता ही है, लेकिन देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन। लेकिन क्या डिफरेंस था? जब हम लोग LSB बनाते हैं, लोअर साइड बैंड बनाते हैं, तो लोअर साइड बैंड हमारा नेगेटिव पोलैरिटी वाला होता है। लोअर साइड बैंड आपका नेगेटिव पोलैरिटी वाला होता है। आप लोगों को याद आ रहा है मैंने आप लोगों को बनवाया था NBFM के केस में? आप लोगों को याद आ रहा है मैंने कैसे बनवाया था? मैंने ऐसा कुछ आप लोगों को बनवाया था, ये हमारा कैरियर हो गया, ये हमारा अपर साइड बैंड हो गया, ये हमारा लोअर साइड बैंड हो गया। तो वैसे ही ये हमारा लोअर साइड बैंड हो गया, ये हमारा कैरियर हो गया, और ये हमारा अपर साइड बैंड हो गया। ये हमारा कैरियर है FC, ये हमारा अपर साइड बैंड है, और ये हमारा लोअर साइड बैंड है, ये हमारा लोअर साइड बैंड है ना। ये हमारे किसके केस में होता है इस टाइप का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम? इस टाइप का फ्रीक्वेंसी होता है हमारा बेटा NBFM के केस में। इस टाइप का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम हमारा होता है NBFM के केस में। लेकिन अगर मैं AM की बात करूं तो AM में कैसा होता था? AM में अगर ये कैरियर है तो ये अपर साइड बैंड है, ये लोअर साइड बैंड है ना। तो जो हमारे लोअर साइड बैंड की पोलैरिटी पॉजिटिव होती थी AM के केस में, वो लोअर साइड बैंड की पोलैरिटी नेगेटिव होती है FM के केस में। ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखा गया है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम होता है एक्सेप्ट द पोलैरिटी ऑफ LSB लोअर साइड बैंड, लीस्ट लोअर साइड बैंड। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करें WBFM की, तो WBFM का जो स्पेक्ट्रम होता है वो कहीं से भी AM के स्पेक्ट्रम की तरह नहीं दिखता है ना। आप लोगों को अगर याद होगा तो आज की क्लास में ही हमने इसका स्पेक्ट्रम बनाया है। कैसे स्पेक्ट्रम बनाया है? ये देखिए, ये स्पेक्ट्रम बनाया है। क्या यहाँ पे दो ही साइड बैंड है? नहीं, यहाँ पे तो हमारे साइड बैंड बढ़ते ही जा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमारे साइड बैंड बढ़ते जा रहे हैं, तो ये हमारे AM के साइड बैंड की तरह दिखता ही नहीं है ना। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक। अब जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है वो NBFM के केस में 5 किलोहर्ट्ज़ तक होता है, और जो हमारे WBFM है उसके केस में ये हमारा मैक्सिमम जो डेविएशन होता है 75 किलोहर्ट्ज़ होता है। तो कभी अगर किसी एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाए मैक्सिमम पॉसिबल डेविएशन इन द केस ऑफ FM, सो हमेशा आप लोगों को 75 किलोहर्ट्ज़ से ध्यान रखना है ना, क्योंकि 75 किलोहर्ट्ज़ मैक्सिमम डेविएशन है FM के केस में, क्योंकि दोनों ही हमारे FM ही है। NBFM भी FM है, WBFM भी FM है, ये तो उसके पास दोनों टाइप है। तो अगर आपसे जनरलाइज्ड वे में FM का डेविएशन पूछा जाए, तो FM का मैक्सिमम डेविएशन आप लोग याद रखिएगा 75 किलोहर्ट्ज़। ठीक है। इसमें जो हमारी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है वो 30 हर्ट्ज़ से लेकर 3 किलोहर्ट्ज़ तक होती है। मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ में अगर मुझे मॉड्यूलेशन करना है, के साथ अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मॉड्यूलेशन करेंगे, तो वो हमारा NBFM होगा। लेकिन जब इसकी जो हमारी रेंज है वो 15 किलोहर्ट्ज़ तक जाती है ना। लेकिन अगर मैं हायर मैसेज सिग्नल के साथ में अगर मॉड्यूलेशन करूंगा, तो वो हमारे WBFM के केस में आती है। ठीक है। ठीक। यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स की हमारी यहाँ पे वैल्यू दी है स्लाइटली ग्रेटर देन वन, लेकिन यहाँ पे जो हमारी मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू है बहुत ही हाई तक जाती है। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे जो इक्वेशन है ना, इसमें हम लोग ग्रेटर देन इक्वल्स टू कर सकते हैं। यहाँ पे एक वन के अप्रोक्स तक रहती है ना। NBFM में जो हमारी मॉड्यूलेशन की वैल्यू है 1 के अप्रोक्स तक होती है, उससे कम ही होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती। WBFM में ही ज़्यादा होती है। ठीक है। बैंडविड्थ हम लोगों ने निकाला था। ठीक है। बैंडविड्थ हमारी इसमें अप्रोक्सीमेटली सेम एज FM होती है। ये कहाँ निकाला है हम लोगों ने? इसकी बैंडविड्थ कहाँ निकाला है? बैंडविड्थ के लिए मैंने बताया था इसकी प्रैक्टिकल बैंडविड्थ होती है इनफाइनाइट।
प्रैक्टिकल बैंडविड्थ क्या होती है, इनफाइनाइट किसकी, एफएम के लिए, है ना। लेकिन जब हम लोग एनबीएफएम की बात करते हैं तो एनबीएफएम के केस में हमें कार्सन्स रूल का यूज करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू कार्सन्स रूल द बैंडविड्थ ऑफ एफएम इज 2 FM इंटू 1 प्लस बीटा, और जो हमारी बीटा की वैल्यू है अगर मैं बहुत ज्यादा कम कर दूं तो क्या बैंडविड्थ आ जाएगी, 2 FM। और एएम के केस में भी हमारी बैंडविड्थ क्या होती है, 2 FM, दैट मीन्स दोनों हमारी इक्वल है ना। मतलब ये हमारी इसमें जो बैंडविड्थ होती है वो अराउंड एएम के इक्वलिटी आएगी। लेकिन जो हमारे WBFM होती है, WBFM में तो बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो अगर बीटा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो डेफिनेटली जो उसमें जो बैंडविड्थ होगी तो मैं उसको 2 FM इंटू बीटा कह सकता हूँ। इफ इफ आई एम कंसिडर दैट द वैल्यू ऑफ बीटा इज वेरी मच हायर एज कम्पेयर टू 1, अगर मैं इस 1 के कंपेरिजन में इस बीटा की वैल्यू को बहुत ज्यादा कह रहा हूँ तो मैं ओवरऑल कह सकता हूँ 2 FM इंटू बीटा इन द केस ऑफ WBFM, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो हमारे WBFM का केस होता है, WBFM के केस में जो हमारी बैंडविड्थ की वैल्यू है वो हमारी बहुत ज्यादा होती है ना। अब यहाँ पे एक टर्म और यूज किया गया है, प्री इम्फेसिस डी इम्फेसिस, है ना। ये आप लोगों के लिए एक नया टर्म होगा, प्री इम्फेसिस डी इम्फेसिस। ये दो टाइप की प्रोसेसिंग होती है ना। ये हमारी जो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म होती है उसमें नॉइस इफेक्ट को कम करने के लिए, उसके बिहेवियर को और स्मूथ करने के लिए हम लोग ट्रांसमीटर साइड एक प्रोसेस यूज करते हैं, उसको प्री इम्फेसिस कहा जाता है। रिसीवर साइड एक प्रोसेस यूज करते हैं, उसको डी इम्फेसिस कहा जाता है। ये दोनों ही केस में रिक्वायर्ड होती है ना, WBFM के केस में, WBFM के केस में भी, NBFM के केस में भी, ठीक है। और स्पीच सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए हम लोग NBFM का यूज करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में किसी ने मुझसे पूछा था कि सर एफएम सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा एफएम सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए हम लोग आइदर हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी अगर हमारी कम है ना, क्योंकि देखिए जो दोनों मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है ये भी 30 हर्ट्ज से 3 किलोहर्ट्ज तक है, ये भी 30 हर्ट्ज से 15 किलोहर्ट्ज तक है ना। तो दैट मीन्स अगर मैं मेरी मैसेज सिग्नल अगर 3 किलोहर्ट्ज का है तो उसके समय उसके लिए तो मैं इसका भी यूज कर सकता हूँ, WBFM का भी यूज कर सकता हूँ और NBFM का भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी मैसेज फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 किलोहर्ट्ज से ज्यादा है तब मैं WBFM का यूज करूंगा। बात समझ में आई? तो जो हमारी एफएम की रेंज होती है ना बेटा, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आप लोग एफएम रेडियोज वगैरह सुनते हैं ना उसमें जो भी हमारी रेंज होती है ना बेटा वो 88 किलोहर्ट्ज से लेकर 10 किलोहर्ट्ज तक होती है। ये हमारी एफएम सिग्नल किलो नहीं मेगाहर्ट्ज, यही हमारी एफएम की रेंज होती है, यही हमारी एफएम की रेंज होती है ना। जो एफएम सिग्नल्स होते हैं ना बेटा, ये इसकी रेंज होती है 88 मेगाहर्ट्ज से लेकर 108 मेगाहर्ट्ज। अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू क्या होगी एफएम के केस में, तो ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल एफ इक्वल टू 75 किलोहर्ट्ज, क्योंकि काफी सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आ सकते फ्रेम किए जा सकते हैं जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी डेविएशन की वैल्यू ना गिवन हो, आपको सीधे सीधे बोला जाए कि फाइंड आउट द डिफरेंट पैरामीटर्स सच एज मॉड्यूलेशन एटसेट्रा, है ना। तो ये दो दो तीन चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।